तो वहीं अगली बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से आपको बता दें, अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की गई है। गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर रोक है, धार्मिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित होने पर रोक है, स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक उद्यान में सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक सैर करने की अनुमति दी गई है। आदेश सुबह 5 बजे से लागू है। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, अनलॉक की नई गाइडलाइन यहां पर जारी कर दी गई है, लेकिन अनलॉक में कई पाबंदियां यहां पर बरकरार रखी गई है। आदेश कल सुबह 5 बजे से ये लागू होगा। गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और हमारे साथ स्टेट हेड राजस्थान से महेंद्र मंगल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन कई पाबंदियां उसमें अभी भी लगाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं, सरकार ने, राज्य सरकार ने देर रात को अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की है। इसमें कई पाबंदियों को हटाया गया है, कई पाबंदियां नई लगाई गई है। जी। सबसे बड़ी जो पाबंदी लगाई है कि कोरोना को ध्यान रखते हुए भी कोरोना गया नहीं है, इसे देखते हुए ईद के त्योहार पर जो नमाज और जुलूस निकलते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, धार्मिक कार्यक्रमों पर ज्यादा रोक लगा दी है। सुबह 5 बजे से शाम को 4 बजे तक ही घूमने फिरने की छूट रहेगी, बाकी समय रोक रहेगी। इस तरह से सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं, कई मामले अभी भी निकल रहे हैं, तो सरकार नहीं चाहती कि कोरोना का वेरिएंट दोबारा फैले। कोरोना का और डेल्टा जो वेरिएंट आया हुआ है वह दोबारा फैले, इसको लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। बिल्कुल। क्या बाजार खुलने को लेकर कोई समय में बदलाव किया गया है? जी नहीं, अभी बाजार खुलने को लेकर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि शादियों का सीजन है सबसे बड़ी चीज तो, और दूसरा इस अभी मार्केट खुला है तो लोगों का आना जाना और लोगों को जो खरीदारी है और किसी तरह का बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसको देखते हुए कोई वो ज्यादा नहीं किया है। स्विमिंग पूल पर पाबंदी लगा दी गई है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ गोवर्धन मेला भरता है, जिसमें मुंडिया पूर्णिमा पर लाखों लोग जुड़ते हैं, गोवर्धन पर उस पर रोक लगा दी गई, उस मेले का आयोजन भी निरस्त कर दिया गया है, और इस तरह से कई पाबंदियां वापस लगाई गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जयपुर से आपको एक बड़ी खबर बता रहे थे कि गृह विभाग ने अनलॉक 5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन अभी भी कई पाबंदियां हैं कोरोना को देखते हुए। सार्वजनिक उद्यानों में सुबह 5 बजे से 4 बजे तक ही सैर की अनुमति है। धार्मिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा न करने पर रोक लगा दी गई है। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। गोवर्धन मेला जो वहां पर प्रसिद्ध मेला है उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई। ईद को देखते हुए भी यहां पर नमाज पढ़ने को लेकर, मस्जिदों में भीड़ लगाने को लेकर रोक लगाई गई है। तो फिलहाल अभी भी कई पाबंदियां अनलॉक में जारी रहेंगी।